प्रेस द आइकन ऑन अपडेट पहले तो आपसे यह कहूं कि मैं जम्मू कश्मीर के عوام की तरफ से आप सबको सलाम भेजता हूं बधाई भेजता हूं कि आप लोग सब इकट्ठे हैं भारत को मजबूत करने के लिए भारत आज खतरे में है आज जिस तरह बाकी नेतों ने हुन आपसे कहा ये एक शख्स को निकालने की बात नहीं है ये देश बचाने की बात है देश बेच के लिए सारे लोगों ने उसका क्या धर्म उसकी क्या जबान उन्होंने अपना बलिदान दिया तब ये भारत आजाद हुआ और आज सत्तर साल के बाद इस भारत को फिर से चुनौती आ रही है यहाँ आज लोगों को बांटा जा रहा है मुसलमान को अलग हिंदू को अलग सिख को अलग बंगाली को अलग हर एक को अलग अलग जा रहा है अभी आपने सुना नॉर्थ ईस्ट से हमारे लोग आए थे उनने सुना किस तरह आसाम में आग लगी हुई है मणिपुर नागालैंड हर जगह आग लगाई जा रही है इस आग को बचाने के लिए मैं हाथ जोड़ के पहले तो नेताओं से कहूंगा कि नेता हम लोगों को इकट्ठे होना है हम लोगों ने अपने मन में ये ठाप लेना है कि हमें कुर्बानी देनी है हम अगर लोगों से कहते हैं पहले हम कुर्बानी दें तब बात बनेगी अगर हम ये समझे कि मेरी जमात ही सिर्फ इस देश को बचा सकती है वो गलत है अगर इस देश को बचाना है तो हर एक ने बलिदान देना है हर जमात ने बलिदान देना है तब यह देश बचेगा आज जम्मू कश्मीर को देखिए किस हालत पे पहुंचाया है जम्मू कश्मीर को उसके जिम्मेवार भी यही बीजेपी है आज यह हालत है कि हर जगह लोगों को मारा जा रहा है और ये कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं ये देशद्रोही हैं मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मैं मुसलमान जरूर हूं मगर भारत का हिस्सा हूं हिंदुस्तान का हिस्सा हूं और हर कश्मीरी वो लद्दाख से हो जम्मू से हो इस देश के साथ रहना चाहता है आपके साथ रहना चाहता है इकट्ठे जीना और मरना चाहता है मगर जो उन्होंने किया इन साढ़े चार सालों में उन्होंने हमें तोड़ दिया है हमें हर तरफ से तकलीफें दी हैं और इसलिए आपसे कहता हूं कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो उस प्रांत से मोहब्बत करनी है उन लोगों से मोहब्बत करनी है और आज आपसे स्टेज से कहता हूं ममता बहन कि बंगालियों को बहुत आना चाहिए कश्मीर कश्मीर के लोगों के साथ दिल मिलाना चाहिए मैं आपका और बंगाल के लोगों का शुक्रिया करता हूँ हमारे लोग यहाँ हैं उन्होंने शरण दिया आपने उनके साथ मेहरबानी की आज हमारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं ये है, है मोहब्बत जो आपने हमें दी है मगर आज अगर हमने इस देश को सारी जगह ये मोहब्बत पैदा करनी है तो हमने बीजेपी को खत्म करना है निकालना है और उसके लिए बहुत जरूरी है जैसे यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा जैसे शौरी साहब ने कहा हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है और लड़के जैसे ने कहा एक जगह एक आदमी मुकाबला करेगा मगर दूसरी बात भी आपसे कहना चाहता हूं ये जो मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं ये चोर मशीन है ईमानदारी से ये चोर मशीन है और मैं इन सब लीडरों से गुजारिश करूंगा इस मशीन को खत्म करना चाहिए दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन कैसे चोरी की जाती है और हमने अभी इलेक्शनों में देखा है और आगे भी आपसे कहता हूं हम सबको मिलकर इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए और इस मशीन को भंग करना चाहिए कि लोग आज़ादी से कागज का वोट जैसे पहले देते थे वही देना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब इकट्ठे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस साल एक नई हुकूमत बनेगी जो सारे देश के साथ इंसाफ करेगी सारे इंस्टीट्यूशंस को ठीक करेगी और एक नया हिंदुस्तान बनाएगी जिसमें हम सब प्यार से और मित्रता से रह सकें और खुशी से हमारे बच्चे हमारी बहनें तरक्की कर सकें देखिए कई सालों से विमेंस रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पड़ी है ये ट्रिपल तलाक पे तो खड़े हो गए उसमें तो शक्रु हो गए मगर औरतों के हक के लिए कोई काम नहीं किया उस बिल को पास करो तब हम मानते हैं मगर वो नहीं करेंगे इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी हुकूमत आए जहां हमारी बहनों को अपना हक मिल सके जहां वो भी ये समझे कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं उसके लिए भी हमने काम करना है और मजबूत करना है हिंदुस्तान को वो मजबूत दिल से दिल मिला के करना है हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो सकता है सिर्फ फौज से एयरफोर्स से आर्मी से वो हो सकता है जब हिंदुस्तान के दिल मजबूत हों और कोई भी जो रहने वाला यहाँ है वो ये ना महसूस करे कि हम यहाँ के नहीं हैं इसलिए मैं ममता बहन जी का शुक्रिया करता हूँ आप सब बंगालियों का शुक्रिया करता हूँ जो आए दूर दूर से आए और हम लोगों का स्वागत किया हमारी बात सुनी मगर अब अब आपका काम भी है और हमारा काम भी है कि हम इकट्ठे होके ये नहीं सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा वो प्रधानमंत्री बाद में देखा जाएगा कौन बनेगा मगर पहले हमें इलेक्शन लड़ना है इकट्ठे लड़ना है और एकजुट होकर लड़ना है वही राज है आगे बढ़ने का फिर से कहूंगा कश्मीर आइए कश्मीर को देखिए कि भगवान ने कितना खूबसूरत कश्मीर बनाया है और बर्फ़ में भी देख सकते हैं और जब गर्मी आएंगी उसमें आइए और कश्मीर को देखिए और लोगों से दिल मिलाइए बहुत बहुत शुक्रिया जय भगवान जय हिंद